लुटेरी बहू। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुण ध्वजा। पंडित जी जरा जल्दी जल्दी फेरे करवाइए, बैठे बैठे कमर में दर्द हो गया। अरे यार सब्र रखो, लोग क्या कहेंगे। पुलिस का सायरन बजने लगता है। दुल्हन योगिता खड़ी हो जाती है और अपना घूंघट लंबा कर लेती है। देखते ही देखते शादी के पूरे पंडाल को पुलिस घेर लेती है। मिस्टर सुधीर, हम बहू का चेहरा देखना चाहते हैं। अरे तुम सब औरतें बहू को लेकर अंदर जाओ। इंस्पेक्टर क्या बकवास कर रहे हो? ये हमारे घर की बहू है तो हमारी इज्जत का बाजी पाला करना चाहता है। देखिए सर, हमें सूचना मिली है कि ये वही लुटेरी है जिसने पहले भी 5 शादियां की और सभी को लूट कर यहां पहुंची है। आप ये क्या बकवास कर रहे हैं? मैं योगिता को पिछले 6 महीने से जानता हूँ। वो अपनी अंधी माँ की इकलौती बेटी है। ऑफिस में ही मेरा उसके साथ अफेयर हो गया और हम लोग शादी कर रहे हैं। देखिए देर ना हो जाए, इससे पहले आप मुझे दुल्हन को देख लेने दीजिए। मेरे साथ उसके पिछले 4 दूल्हे भी हैं जो उसे पहचान लेंगे। ये लड़की इतनी शातिर है कि इसकी एक भी फोटो किसी के पास नहीं है। ये आप क्या कह रहे हैं? मेरे पास योगिता की फोटो है जो हमने अपनी सगाई पर खिंचवाई थी, ये देखिए। ध्यान से देखिए, आपकी दुल्हन एक भी फोटो में नजर नहीं आ रही है। फोटो खिंचवाते टाइम से हर समय आपका चेहरा या तो अपने बालों से ढका हुआ है या फिर घूंघट से। अरे सुधीर, मेरा कलेजा बैठा जा रहा है। अरे बेटा जल्दी जाकर देख, सब ठीक तो है? सभी लोग इंस्पेक्टर के साथ अंदर बढ़ते हैं तो सभी औरतें पड़ी हुई होती हैं और सुधीर की माँ के मुंह में कपड़ा भरा हुआ होता है। इंस्पेक्टर और बाकी लोग सबको खोलते हैं। हे भगवान, मेरी आंखों के सामने ही बहू ने सारा रुपया पैसा जेवर कैश बैग में भरा और अपनी अंधी माँ के साथ रफू चक्कर हो गई। अरे हम लूट गए। हवलदार जल्दी जीप निकालो, अभी वो ज्यादा दूर नहीं गई होगी, हम उसे पकड़ लेंगे। देखिए ये लड़की बहुत शातिर है और अपने पीछे कोई सुराग नहीं छोड़ती, ना इसकी कोई तस्वीर है ना कोई पता। पुलिस इंस्पेक्टर वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ योगिता, अरे सोनी जल्दी भाग, आज तो पकड़े गए थे। एक तो तू अपने नाम बदलती है, तुझे किस नाम से बुलाऊं? योगिता तेरा नाम है, यही कहती हूँ। मुझे खुद याद नहीं आता कि तेरा नाम क्या है। अरे मेरा नाम बिंदु है। अब चल सीधे बनारस की बस पकड़ते हैं, यहाँ रुकना खतरे से खाली नहीं। सोनी और बिंदु बस स्टेशन पर पहुँचते हैं जहाँ टीवी पर उनकी फोटो के साथ अनाउंसमेंट हो रहा होता है। शहर में लुटेरी बहू का गैंग सक्रिय। ताजा खबरों के अनुसार सेठ रमाकांत के यहाँ समय पर पुलिस के पहुँच जाने के बावजूद भी ये लुटेरी बहू दहेज का सामान लेकर 9-2-11 हो गई है। इन तस्वीरों को ध्यान से देखिए और अगर आपको ये दोनों कहीं भी नजर आए तो इन नंबरों पर तुरंत सूचना दें। कुछ दिनों तक चुप रहना होगा, अपना मुंह अच्छी तरह से बंद कर दे। कैश डिपॉजिट मशीन से सारा कैश अकाउंट में डाल लेते हैं और जेवर ले चलते हैं अपने पुराने सुनार के पास। दोनों जल्दी जल्दी कैश डिपॉजिट करके जेवर बेचने अपने पुराने सुनार के यहाँ पहुँचती हैं। आओ बिंदु आओ, इस बार बहुत दिनों बाद आई। अरे सेठ जी, आप तो बस जल्दी से हमारा काम कर दीजिए, ये लीजिए और बताइए कितना होगा। बिंदु सारे जेवर निकाल कर सेठ जी को देती है, तब तक पीछे से आवाज आती है, माँ वो देखो प्रतिभा, उसकी आंटी भी उसके साथ है। हाँ हाँ ये तो प्रतिभा ही है, पुलिस को फोन कर, जल्दी पुलिस को फोन कर, तब तक मैं उसे पकड़ने की कोशिश करती हूँ। सोनी देखती है कि विकास नाम के जिस लड़के से बिंदु ने सबसे पहले प्रतिभा के नाम से शादी की थी, वो और उसकी माँ उन्हें पकड़ने के लिए उनके पीछे भाग रहे हैं। अरे बिंदु ये गहने छोड़ और अपनी जान बचा, वरना कई साल के लिए अंदर जाएंगे। अरे सोनी चुपचाप बैठ, बिल्कुल मत हिलना, मैं क्या करती हूँ वरना पुलिस लफड़ा बढ़ जाएगा। प्रतिभा इतनी आसानी से तुम हमें धोखा नहीं दे सकती, 25 लाख कैश और 3 किलो सोना लेकर भागी हो, सीधी तरह से सब कुछ वापस करो वरना अच्छा नहीं होगा। अरे अरे दिमाग तो ठीक है आपका, मेरा नाम बिंदु है और ये है मेरी सहेली सोनी, हम यहाँ पर सोनी की शादी के लिए गहने खरीदने आए थे। वाह नखरे तो देखो लुटेरी के, विकास तू पुलिस को फोन कर, आज नहीं छोड़ेंगे। क्या आपके पास कोई सबूत है, कोई फोटो या कोई ऐसी चीज जो आप मेरे ऊपर इतनी आसानी से ऐसा आरोप लगा रही हैं? मुझे तो लगता है आप मुझे बदनाम करना चाहती हैं। आज से पहले मैं आपसे कभी मिली ही नहीं। सुनार सोचता है कि अगर बिंदु पकड़ी गई तो वो भी पुलिस के चपेट में चोरी के गहने खरीदने के लिए आ जाएगा। अरे बहन जी बिंदु को तो मैं पिछले कई सालों से जानता हूँ, शरीफ लड़की है। ये आप क्या बात कर रही हैं? इसके पिता नेता हैं, आप लोग बेकार में फंस जाएंगे। जा बिंदु तू घर जा। सुनार के जोर डालने पर वो लोग बिंदु और सोनी को छोड़ देते हैं लेकिन सीधे पुलिस स्टेशन जाते हैं। सर हमने कुछ महीने पहले रिपोर्ट्स लिखाई थी कि एक लड़की ने शादी का नाटक करके हमारे घर में लूट करी है। आज हमने उस लड़की को सुनार की दुकान में देखा लेकिन सुनार के कहने पर उसे छोड़ना पड़ा। आप जल्दी से जल्दी शहर की नाकेबंदी कर दीजिए, हमें पूरा विश्वास है कि वो लड़की चपेट में आ जाएगी। आप लोगों ने रिपोर्ट करके बहुत अच्छा किया, मैं अभी हर जगह मैसेज भेज देता हूँ।
क्या आपके पास उसकी कोई फोटो है? जी इंस्पेक्टर साहब, इस बार मैंने उससे बात करने से पहले बिना उसकी जानकारी के उसकी फोटो खींच ली है। ये रही उसकी फोटो और उसकी सारी सहेली की फोटो। पुलिस इंस्पेक्टर वो फोटो हर जगह फैक्स कर देता है और जांच शुरू हो जाती है, और खुद सुनार की दुकान पर छापा मारता है जहां चोरी के जेवर बरामद हो जाते हैं। अरे मेरी कोई गलती नहीं है साहब, मैंने तो सोचा गरीब लड़की है, मदद कर दो, मुझे क्या पता था ये चोरी के गहने हैं। देखो अभी तक इनका सौदा नहीं हुआ है, वो पैसा लेने जरूर आएंगे, हम लोग दुकान में ही साधारण कपड़ों में रहेंगे। दूसरी तरफ टीवी पर खबर आने लगती है। देखिए पहली बार, ये है तस्वीर उस लुटेरी दुल्हन और उसकी सहेली की जिन्होंने 5 लोगों को बेवकूफ बनाकर उनसे शादी की और उनके घर का कैश और जेवर लेकर रफू चक्कर हो गई। अगर ये कहीं भी दिखाई दे तो इन नंबरों पर कॉल करें। ओ माय गॉड, ये हमारी फोटो पुलिस के पास कैसे पहुंच गई? इस समय शहर से निकलना ठीक नहीं है, हमें चुपचाप अंदर ही रहना चाहिए। सुबह सुनार से पैसे ले लेंगे और फिर अंडरग्राउंड हो जाएंगे। दूसरी तरफ पुलिस ने सुनार की दुकान में बिंदु के 5 पतियों और ससुराल वालों को बुला लिया था। सभी दुकान में छुपे हुए थे कि सुबह 11:30 बजे के करीब बिंदु और सोनी दुकान में दाखिल हुए। हाँ जी मैम साहब, क्या दिखाऊं आपको? जी सेठ साहब से कह दीजिए कि हमारे कुछ पैसे बाकी हैं, वो हमारा हिसाब क्लियर कर दे, हम जरा जल्दी में हैं। पीछे से आवाज आती है, इतनी भी जल्दी क्या है? योगिता, प्रतिभा, सीमा, खुशबू, एकता या बिंदु, अभी तो तुम्हें बहुत सी रस्में करना बाकी है, आखिर 5-5 ससुराल हैं, टाइम तो लगेगा। आप लोग भूल गए, इनकी फाइनल ससुराल जेल में है, जहाँ पर इनके पास सिर्फ टाइम ही टाइम होगा। आप लोग सारी रात में वहाँ पूरी करवा सकते हैं, और हाँ आपका सुनार भी वही है, अपना हिसाब किताब भी आराम से पूरा कर लीजिए। बिंदु और सोनी को बिना कोई सफाई का मौका दिए गिरफ्तार कर लिया जाता है। इंस्पेक्टर की बात सुनकर सब हंसने लगते हैं। बिंदु और सोनी सुनार के साथ सर झुकाकर चले जाते हैं। पूरे मोहल्ले में सुषमा और उसकी तीनों बहुओं के चर्चा होती है। एक दिन सुषमा अपनी तीनों बहुओं के साथ अपने पड़ोसी विमला की बहू की मुंह दिखाई के लिए जाती है। भगवान झूठ ना बुलाए, लेकिन विमला तूने बहू तो खाते पीते खानदान से लाई हो, मेरी तीनों बहुओं का वजन मिलाकर भी तुम्हारी बहू का वजन ज्यादा ही होगा। वो क्या है ना, मेरी बहू को थोड़ा पढ़ाई लिखाई का ज्यादा शौक है, पढ़ाई लिखाई के चक्कर में शरीर पर इतना ध्यान कहाँ जाता है। वो सब तो ठीक है, लेकिन सच बताओ तो लड़कियाँ दुबली पतली ही खूबसूरत लगती है। भगवान झूठ ना बुलाए, लेकिन तुम्हारी बहू के कंधे के बाद सीधा शक्ल शुरू हो जा रहा है, गले में नेकलेस पहनने की तो जगह ही नहीं दी है भगवान ने। अब शक्ल सूरत जिंदगी भर थोड़ी रहता है, धीरे धीरे घर के कामकाज में वजन भी कम हो जाएगा। एक दिन सुषमा अपने घर पर किटी पार्टी का आयोजन करती है। किटी पार्टी में मोहल्ले की अन्य महिलाओं के साथ विमला और उसकी बहू भी आती है। बहुत हो गई किटी पार्टी, अब किसी दिन हम सभी को पिकनिक पर चलना चाहिए। हाँ सही कहा तुमने, बहुत मजा आएगा। तब तो हमें बड़ी बस बुक करानी पड़ेगी, क्योंकि छोटी गाड़ी में तो तुम और तुम्हारी बहू ही सारा जगह ले लोगे, और शायद तुम्हारी बहू की वजन से छोटी गाड़ी का चक्का ना फट जाए। बहुत हो गया, तुम ऐसे मेरी बहू की बेइज्जती नहीं कर सकती हो। माना कि भगवान ने तुम्हारी बहू को अच्छी सूरत और सीरत से भेजा है, अगर मेरी बहू का वजन थोड़ा ज्यादा है तो क्या हो गया? भगवान ना करे किसी दिन तुम पर भी यही मुसीबत आन पड़े। विमला अपनी बहू को वहाँ से लेकर चली जाती है। ऐसे ही कुछ समय बीतता जाता है। कुछ दिनों बाद अचानक से सुषमा की तीनों बहू का वजन बढ़ने लगता है। उसे समझ नहीं आ रहा होता है कि ये क्या हो रहा है। अरे तुम तीनों खाली बैठे बैठे फैलते जा रही हो, इससे अच्छा तो घर का कुछ काम भी कर लो, नौकरानी का भी खर्च बचेगा। ऐसे ही रहा तो कुछ दिनों बाद तुम तीनों भी विमला की बहू की टक्कर की हो जाओगी। क्या बताऊं सासू माँ, मैंने कल ही डॉक्टर को दिखाया था, डॉक्टर ने बताया कि मुझे थायराइड हो गया है, जिसमें वजन बढ़ना आम बात है। मैं चाहे कितनी भी एक्सरसाइज कर लूं, मेरा वजन कम ही नहीं हो रहा है। मुझे भी डॉक्टर ने PCDO की समस्या से ग्रसित बताया है, इसमें अचानक से महिलाओं का वजन बढ़ जाता है। सुषमा की छोटी बहू कोने में बैठकर कटोरे में खाना खा रही होती है। तुम्हारा वजन बढ़ने का कारण तो सामने नजर आ रहा है, अगर ऐसे ही खाती रहोगी तो एक दिन फूल के गुब्बारा बन जाओगी। सासू माँ आप तो जानती है मुझे खाना कितना पसंद है। अब मैं इन तीनों का क्या करूं? एक एक बहू मेरी एक टन की होते जा रही है। सुषमा अपनी तीनों बहुओं के बढ़ते वजन से बहुत परेशान थी। अगर ऐसा ही चलता रहा तो पूरे मोहल्ले में मेरी नाक कट जाएगी,
कुछ ना कुछ करके मुझे मेरी तीनों बहुओं का वजन कम करवाना ही पड़ेगा। सुषमा अगले दिन से अपने घर की कामवाली को काम से निकाल देती है। अरे मम्मी जी, इतनी लेट हो गई, अभी तक कामवाली नहीं आई। और आएगी भी नहीं। तुम तीनों यहाँ खा खा कर भैंस होती जा रही हो, थोड़ा घर का काम करोगी तो वजन पर कुछ फर्क भी पड़ेगा। लेकिन मम्मी जी, घर का काम करने से हमारा वजन थोड़ा ही कम होगा। इतना काम देखकर ही मेरे सर में दर्द हो रहा है। चलो तुम तीनों लग जाओ काम पर। सुषमा को अपने तीनों बहुओं को साथ ले जाने में शर्म आने लगी। वो अपनी बहू को अपने साथ लेकर कहीं भी नहीं जाती थी। तभी विमला आ जाती है। क्यों रे सुषमा, क्यों अपनी बहुओं पर इतना काम का बोझ डाल रही हो? तुम मेरी बहू के वजन को लेकर ताने मारती थी, अब तो तुम्हारे घर ही अखाड़ा बन गया है और तुम्हारी तीनों बहुओं में अखाड़े की सूमो पहलवान। तेरी ही कमी थी, आकर तू भी अब मेरा मजाक उड़ा ले। मैं तो तुझे यहाँ आमंत्रण देने आई थी। कल पड़ोस की गली में रहने वाले मनोज भाई साहब के बेटे की शादी है, उन्होंने तुम्हें भी इस परिवार बारात में बुलाया है, साथ ही कहा है कि अपनी बहुओं को लेकर जरूर आना। क्या शादी? हम तो जरूर आएंगे। इतना कहते ही विमला वहाँ से चली जाती है। ये तो घोर मुसीबत आ पड़ी। वक्त पर मनोज भाई साहब ने हमारी बहुत मदद की थी। बेटे की शादी में नहीं जाएंगे तो उन्हें बुरा लग जाएगा। विमला को तो बस मौका चाहिए मेरी बेइज्जती करने का, और अगर मैं इन तीनों सूमो पहलवान को लेकर अपने साथ गई तो मेरी बेइज्जती होना तो तय है। शाम में सुषमा की तीनों बहुएं सज धज कर तैयार हो जाती है और सभी को लेने गाड़ी भी आ जाती है। गाड़ी छोटी होने के कारण तीनों उसमें नहीं एडजस्ट हो पाती। अभी जरा घसक, मुझे भी जगह दे, बहुत जगह है। अरे दीदी, यहाँ तो मेरे लिए भी ठीक से जगह नहीं है। दीदी हम कह रहे हैं ना, बिल्कुल भी जगह नहीं है। बहुत जगह है, बिल्कुल जगह नहीं है। तीनों गाड़ी में एडजस्ट होने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन एक तरफ से संगीता गाड़ी के अंदर जाती तो सरिता दूसरे गेट से बाहर गिर जाती, और सरिता जब गाड़ी के अंदर जाने की कोशिश करती तो दूसरे गेट से संगीता बाहर आ जाती। ये देखकर सुषमा को बहुत खराब लगता है। ये तमाशा बंद करो तुम तीनों, देखो सब हंस रहे हैं हम पर। हमें नहीं जाना है शादी में, चलो चुपचाप तीनों घर के अंदर जाओ। लेकिन मम्मी जी, ये गाड़ी ये छोटी है, इसमें हमारी क्या गलती? तीनों खा पी कर इतनी मोटी हो जाओगी तो कैसे गाड़ी में आ पाओगी? तुम तीनों के लिए तो ट्रक मंगवाना पड़ेगा। देख सुषमा, कभी कभी वजन बढ़ाना और घटाना हमारे हाथ में नहीं होता है। हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हमारे आसपास हर प्रकार के व्यक्ति मौजूद रहते हैं, ये उनकी खूबसूरती है। हमें किसी के रंग रूप देखकर उनके बारे में गलत भावना नहीं पैदा करनी चाहिए। मुझे माफ कर दे, ये सब मेरी ही करनी का फल है। एक दिन मैंने तेरी बहू के मोटापे का मजाक उड़ाया था, आज मेरा खुद का मजाक बन रहा है। इसमें ना तेरी कोई गलती है और ना तेरी बहुओं की। खूबसूरती तो देखने वालों की नजर में होनी चाहिए। सही कह रही है तू, आज तक मैं ही लोगों के वजन और रंग रूप को देखकर मजाक बनाती रही, लेकिन कभी उनके दुख दर्द को समझने की कोशिश नहीं की। साथ ही सुषमा अपनी तीनों बहुओं से भी माफी मांगती है। तुम तीनों मुझे माफ कर दो, मैं एक अच्छी सास नहीं बन पाई। विमला अपनी बहू की बेइज्जती होने पर मुझसे नाराज हो गई थी, और मैं बिना सोचे समझे अपनी बहू की बेइज्जती सभी के सामने कर रही थी। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। हमें भी माफ कर दीजिए मम्मी जी, हम भी अब आपकी बात मानकर सही डाइट और एक्सरसाइज फॉलो करेंगे। हाँ सही कहा दीदी ने, मैं खाना तो कम नहीं कर सकती, लेकिन एक्सरसाइज करने की पूरी कोशिश करूंगी। सभी ठहाके मार के हंसने लगते हैं।